हेलो नाइन्टीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत प्यारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, हेरॉन्स फॉर्मूला। जो स्टूडेंट्स ओल्ड बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 12 है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है इसको समझाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बता सकते हो? आप सबको झट से पता है, जैसे मैं पूछूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? क्या होता है ये हाइट जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एच से डिनोट कर रहे हैं और बेस को बी से, क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा ये बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आप सब झट से बोलोगे सर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी सारी साइड्स का सम। मैंने कहा एक पॉइंट बताओ, लेट सपोज एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है? 3 + 4 + 5, झट से आंसर आ जाएगा सर 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं साइड्स को ए बी सी बोल दूं तो पेरीमीटर क्या होगा? आप सब झट से बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक भी क्लियर होगा। बट अब मेरा जो क्वेश्चन है, लेट सपोज एक ट्राइंगल है जिसकी साइड गिवन है ए बी सी, क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और यहां पर हाइट मिसिंग है। यही इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले अगर उसके अंदर हाइट नहीं है हमारे पास जब सिर्फ साइड्स है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस क्या होता है? एस का मतलब हुआ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर क्या था ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ये हुआ सेमी पेरीमीटर। यहां तक क्लियर? अब ये कैसे यूज करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसके लिए मैं पिक कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है आइए देखते हैं। देर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में क्या एक स्लाइड है, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसकी साइड को हमने क्या करा पेंट कर दिया और मैसेज लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, अगर साइड्स कितनी कितनी है 15, 11 और 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो मेरे को एरिया निकालना है। देखो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की क्या गिवन है मेरे को साइड्स कितनी 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर। ध्यान रखना साइड्स को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, यानी ए कितना है 15 मीटर, बी कितना है 11 मीटर, सी कितना है 6 मीटर। निकालना क्या है एरिया, एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता ही है क्या, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले को निकालना पड़ेगा एस, और एस कैसे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2, 32 अपॉन 2, एस कितना आ गया 16। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 6, क्या बना 16 × 1 × 5 × 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या होता है जिसको आप बचपन में से एलसीएम बोलते हुए आए हैं, यानी देखो जैसा 16 है मेरा
तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 8 2 4 2 2 2 1, राइट। आप इसको एलसीएम बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है, वैसे एक्चुअली इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स कर दो, क्या हो जाएंगे 16 के 2 × 2 × 2 × 2, 1 एज इट इज, 5 भी एज इट इज, 10 के फैक्टर्स 2 × 5। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको रूट से बाहर कर देंगे। जिस तरह देखो 2 हो रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया, ये भी 2 हो रहा है, एक और 2 बाहर आ गया, और क्या हो रहा है 5, तो 5 बाहर आ गया। जो अकेला रूट में रह गया वो क्या है 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, आंसर क्या आएगा 20√2 m², ये आंसर है। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है 4, मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन 4 ट्राई करें, एंड आफ्टर दैट चेक करें अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 cm एंड 10 cm एंड द पेरीमीटर इज 42 cm। कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो जिसकी दो साइड्स कितनी कितनी है 18 और 10, यानी ए गिवन है मेरे को 18 cm, बी गिवन है 10 cm, थर्ड साइड सी नहीं है, सी नहीं है, और क्या गिवन है, एंड पेरीमीटर इज 42 cm। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है 42 cm। अब सी कैसे निकालू, खुद देखो मेरे को पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी 42 वैल्यू डाल दो, ए इज 18, बी इज 10, सी आई डोंट नो, 28 प्लस सी 28 इधर आके माइनस, सी कितना हो जाएगा 42 − 28, यानी 14 cm। अब एरिया निकालना है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अच्छा एक बात सुनना, आप में से कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डालने लगेंगे, ध्यान से सुनो, एस का मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर में को गिवन है ऑलरेडी कितना 42, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना, यानी आ जाएगा 21। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या, सर हम 2 मिनट का ही तो काम है, कर देंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही नंबर्स मेरे बड़े हो जाएंगे वहां पर आपको टोटलिंग करने में टाइम लगेगा, तो ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है, सीधा शॉर्टकट यूज करो, एस कितना आ गया 21, एरिया निकालो, अंडर रूट 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, सॉल्व करो 21 × 3 × 11 × 7, फैक्टर्स कर दो, 21 को मैं क्या लिखूंगा 3 × 7 × 3 × 11 × 7, अब डबल वाले पेयर बाहर, डबल कौन है, एक तो 3 आ गया और एक 7 आ गया, तो 3 और 7 बाहर, 3 × 7, रूट में क्या रह गया 11, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21√11 cm². ये था, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 से पहले, क्वेश्चन 5 को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन 6 मैं ऑर्डर अपना पिक करूंगा बेटा, क्वेश्चन 6 ट्राई करो, आफ्टर दैट रेफर करो सॉल्यूशन क्या है। An isosceles triangle has perimeter 30 cm.
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है कितना, 30। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल हो एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, और जहां इक्वल साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी यहां दो साइड्स इक्वल है, कितनी कितनी है 12, दो साइड 12 सेंटीमीटर की है, एक 12 एक और 12, एरिया निकालना है। अब देखो ए हो गया 12 सेंटीमीटर, बी हो गया 12, बट सी नहीं गिवन। जो अलग साइड होती है उसे हम बेस बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी मेरे पास बेस गिवन नहीं है। अब क्या करें, बट पेरीमीटर गिवन है, कितना, पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी 30 है, 12 प्लस सी, सी कितना हो गया 30 माइनस 24, सी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 30, तो 30/2 यानी 15। एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस यानी 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 × 3 × 3 × 9 फैक्टर्स कर दो। 15 के फैक्टर्स 5 × 3, 3 × 3, 9 के फैक्टर्स 3 × 3। वैसे आप 3 चाहे पहले ही ले लेते, अगर देखो आप 3 ऑलरेडी, 3 को आप पहले कर सकते हो, और इवन 9 का रूट भी हमारे पास होता है 3, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए लिख देता हूँ। 3 दो बार आया रूट के बाहर, अब क्या रहेगा रूट में, 15 और 9, 15 को 5 × 3 और 9 को 3 × 3, अगेन ये 3 बाहर हो गया, अब ये 3 बाहर हो गया मेरा, 3 × 3 रूट में क्या रह गया 15, रूट में 5 और 3, तो आंसर क्या आएगा 9√15 cm². ये था छोटा सा क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। आओ बेटा अब कर रहे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। एक ट्रायंगल की साइड एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, और उसका पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। हाउ, बहुत सिंपल है, देखो पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर, और जो साइड्स है वो रेशियो में है, यानी ए कितना ले लूंगा मैं, जब रेशियो होती है तो रेशियो के अंदर हम क्या करते हैं, रेशियो हटाते हैं और एक्स लगाते हैं, यानी ए हो जाएगा 12x, बी हो जाएगा 17x, सी हो जाएगा 25x। अब पेरीमीटर कितना है 540, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज 540, ए हो गया 12x, बी हो गया 17x, सी हो गया 25x। अब 12 प्लस 17 विच इज 29, 29 प्लस 25 54, यानी 54x इज 540, एक्स क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 54, क्योंकि 54 मल्टीप्लाई में था, एक्स आ गया मेरा 10। अब ए कितने की हो जाएगी, ए हो जाएगा 12x, यानी 12 × 10 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, बी 17x, 17 × 10
170 सेंटीमीटर, सी 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया के लिए एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ए क्या है 120, बी क्या है 170, सी क्या है 250 अपॉन टू। कई बच्चे ऐसे करने वाले, डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट गिवन है 540 अपॉन टू, कितना हो जाएगा 270। अब एरिया क्या होगा, एरिया इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। टू सेवेंटी माइनस 120, 270 माइनस 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, कितना हो जाएगा ये 270 इंटू में 150 इंटू में 100 इंटू में 20। अब सुनो, इसको थोड़ा सॉल्व जल्दी कैसे करें, बहुत इजी है। देखो 100 का रूट मेरे पास है, 100 का रूट क्या होता है 10, डायरेक्ट बाहर करो, 10 बाहर हो गया। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करने बैठेंगे, करो बट थोड़ा सा फास्ट। कैसे करोगे फास्ट करने के लिए, 270 को क्या मैं लिख सकता हूं 27 इंटू 10, 150 को 15 इंटू 10, ऐसा क्यों रीजन बताता हूं, और 20 को 2 इंटू 10। अगर आप देखो 10 पेयर्स बन रहे, बाहर करते जाओ, ये 10 का पेयर बाहर आ गया, ये भी कितना हो गया 100। अब नॉर्मली सॉल्व कर दो, 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 2 एज इट इज राइट, और 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। अब देखो क्या बनता है, एक ये 3 बाहर आ गया, ओके 100 इंटू 3, एक और 3 बाहर इंटू 3, एक ये 2 बाहर हो गया इंटू 2, और एक ये 5 बाहर हो गया इंटू 5, तो कितना हो गया 3 9 9 10, और 9000, ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आंसर।